बच्चों एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है SDS विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में। मैं आपका AN वर्मा SDS विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं यानी मात्राएं के विषय में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, हिंदी के शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी के शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हिंदी वर्णमाला के 2 भेदों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को 2 भेदों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हालांकि मैं इससे पहले आपको पिछले वीडियो में स्वर और व्यंजन के बारे में बता चुका हूँ। मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती है, ध्यान देंगे, मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती है क्योंकि वे स्वतंत्र होती हैं। मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती हैं क्योंकि वह स्वतंत्र यानी कि आज़ाद होती हैं। व्यंजनों का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता, किसी भी व्यंजन व्यंजनों का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता क्योंकि हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के स्वरों की सहायता ली जाती है। हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। आप अ वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, अ शब्द माने यानी अ वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, इसका प्रयोग व्यंजनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग व्यंजनों को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी होती है। जैसे क धन अ बराबर क, तब जाके वह क वर्ण जो है पूरा हुआ है। यदि किसी व्यंजन में से अ की ध्वनि निकाल दी जाए तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। इम्पोर्टेंट बात, यदि व्यंजन में से अ की ध्वनि निकाल दी जाए तो वह व्यंजन आधा रह जाता है यानी कि पूरा व्यंजन नहीं होता है। चलिए अब आपको मैं किताब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ मात्राएं। मात्राएं इस पाठ में आप पढ़ेंगे मात्राएं स्वरों का प्रयोग। स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलकर रूप बदल जाता है। जैसे ये चित्र दिया हुआ है एक मछली का, और यहाँ पे देखिए स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलकर किस प्रकार रूप बदला है। देखिए म धन नहीं लगा हुआ है तो भी आप उस पर लगा सकते हैं। अ धन छ धन अ धन ल धन बड़ी, क्या हो गया मछली। देखना इसको अच्छी तरह से, यानी कि स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलकर बदला हुआ एक रूप है। उसी प्रकार है त धन अ धन त धन आ, क्या हो गया तोता। अगला है स धन छोटाई धन त धन आ धन र धन अ सितार, क्या है सितार। इस प्रकार स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलकर रूप बदला जाता है। देखिए मात्रा क्या है, स्वरों का व्यंजनों से मेल होने पर उनका बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों का व्यंजनों से मेल होने पर उनका बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है।
अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है, यानी अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है, जिसे मैं पहले ही आप लोगों को कह दिया हूँ। देखिए स्वर क्या है, आ आ ई ई उ उ र ए ए औ औ। यहाँ पे देखिए उसके मात्राएं दिया हुआ है, आ का कोई मात्रा नहीं, आ का मात्रा है छोटी ई का है, बड़ी ई का छोटी उ बड़ी उ र ए ए औ औ। अगला है आपका स्वरों का प्रयोग, यानी स्वर का प्रयोग हम कहाँ कैसे करेंगे। स्वरों का दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्वरों को दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। पहला है मूल रूप में, दूसरा है मात्रा रूप में। यानी स्वर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ, मूल रूप क्या हो गया इसका, अदरक। क्या है, अदरक। अगला है मात्रा रूपी कमल, देख रहे हैं आप मात्रा रूप में क्या है, कमल है, और मूल रूप में अदरक, यानी आक स्वर से बना हुआ है। इसी प्रकार मात्रा रूपी देखिए आ आम राजा, ई छोटी ई होता है, इत्र हिरण, देखिए छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है, बड़ा ई ई ईख, यानी कि ईख में, और देखिए दीपक में बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है। अगला है ऊ छोटा ऊ उपवन पूल, देखिए ऊ का मात्रा लगा हुआ है, बड़ा ऊ ऊन पूल, ऋ ऋषि धृत, देखिए यहाँ पे मात्रा कैसा लगा हुआ है, एड़ी पेड़, ऐनक एक मात्रा है, बैल ओस औ का मात्रा है, ओस तोप मात्रा है, औरत और हौज। देखिए इन मात्राओं को द्वारा ही कोई भी एक शब्द जो है बन जाता है। देखिए हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी हैं जिनकी मात्राएं होती हैं, जैसे आप देखिए अनुस्वर में यानी नाक से गा गए, जैसे कंधा कंघा मंदिर हंस आदि, ये भी सब क्या है मात्राएं होती हैं, लेकिन उसे हम अनुस्वर मात्रा कहते हैं। अनुनासिक यानी नाक से द्वारा, जैसे चंद्रकला बिंदी वाला जो दांत पांच चांद कांच आदि, इसी प्रकार ये भी एक मात्रा है, कुछ वर्ण की है जिनकी मात्राएं ये भी हैं। विसर्ग में देखिए नमः छह अतः स्वः आदि, ये सब भी हिंदी भाषा के वर्ण भी हैं जिनकी मात्राएं होती हैं। अगला ये भी जानो, यानी इसको भी जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। र के साथ ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, देखिए र धन ऊ क्या हो गया, रू, यानी कि रुपया इसको लिख सकते हैं। र धन बड़ा ऊ बराबर रू, यानी कि रूप बनता है। अनुस्वर में बिंदी वाले में देखिए, और अनुनासिक चंद्रकला बिंदी देखिए का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। इन सब मात्राओं को कहाँ पे किया जाता है, जो वर्ण है उनके ऊपर किया जाता है। जैसे क धन अम अंग क्या हो गया, कन ऊपर बिंदी है, यानी कि कंस का पढ़ सकते हैं उसे। चंद्रकलाम देखिए क धन अ धन क, यानी कि कांटा, इस चंद्रकला बिंदु कहाँ लगा हुआ है, क पे लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चे आशा करता हूँ कि आप लोग मात्राओं के बारे में जानकारी हासिल कर लिए होंगे। जिन लोगों को जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया है, वह मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर से करे मुझसे और भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।